त्रिपुरा की जब हम बात करते हैं तो त्रिपुरा पर 500 साल तक माणिक्य राजवंश ने शासन किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि त्रिपुरा को लेकर तमाम जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इसी राज परिवार ने दी हैं, और उनके बारे में पूरा का पूरा जो ब्यौरा है वो श्री राजमाला में लिखा गया है। एक क्रॉनिकल है, ये रॉयल क्रॉनिकल है, इसमें एक एक राजा के बारे में जानकारी दी गई है, तो ये क्रॉनिकल अभी मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इस राजवंश की बात करते हैं तो तमाम मंदिर, तमाम देवालय, तमाम तरीके की चीज़ों को अगर डेवलप करने की बात करते हैं तो इसी राज परिवार ने किया है। और यहाँ पर ये जो पूरी पूरी गैलरी है इसमें बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, ये राज परिवार के बारे में जानकारी दे रही हैं। और यहाँ पर जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये माणिक्य राज परिवार के जो राजा हैं वीर चंद्र माणिक्य, 1862 से 1896 तक इन्होंने राज किया है, और इनको आधुनिक त्रिपुरा का फादर बोलते हैं, पिता बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने तमाम ऐसे काम किए जिससे त्रिपुरा आगे बढ़ा, जिसमें हम कह सकते हैं नगर निगम की स्थापना, साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस की स्थापना, क्योंकि ये समझ गए कि दुनिया किस तरीके से बदल रही है, और बदलती हुई दुनिया में इन्होंने तमाम ऐसे काम किए जिसके लिए त्रिपुरा आज भी इनका ऋणी है। और अगर हम इनकी दूसरी पीढ़ी की बात करें, इनके बड़े भाई की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी भी फोटो लगी हुई है, ईशान चंद्र माणिक्य। और ईशान चंद्र माणिक्य की बात करते हैं तो इसी परिवार में हम कह सकते हैं कि एसडी वर्मन और आरडी वर्मन, जो कि बहुत बड़े संगीतकार और कंपोजर और साथ ही साथ गीतकार हम कह सकते हैं, तो वो नाम इससे जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको एक और चीज़ दिखाना चाहेंगे जिसको आप समझ सकते हैं कि इन राजा के बाद जो अगले राजा आए वो महाराजा राधा किशोर माणिक्य, जिनकी तस्वीर यहाँ पर बनी हुई है, ये तस्वीर है, और साथ ही साथ इधर भी तस्वीर है। और इन्होंने 1896 से लेकर 1909 तक शासन किया, और ये जो उज्जैंतो पैलेस है वो इन्हीं ने बनाया था। और इनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी, तमाम ऐसी चीज़ें, तमाम संगीतकार, तमाम कलाकार, उनको इन्होंने प्रश्रय दिया। और इनकी जो दोस्ती थी रविन्द्रनाथ टैगोर से थी, रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ इनकी दोस्ती थी, जिसका हम कह सकते हैं कि दोनों को फ़ायदा हुआ, क्योंकि जब उज्जैंतो पैलेस बनाया जा रहा था तब इन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको सलाह दी कि आप अंग्रेज़ों से ऋण मत लो, आप जो है बैंक ऑफ बंगाल से ऋण लो, जिसका इन्हें फ़ायदा हुआ। साथ ही साथ इन्होंने शांति निकेतन के लिए तमाम ऐसी धनराशि दी जिससे शांति निकेतन चलता रहा। और एक और बड़ी चीज़ है, जो देश के जो प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने ये खोज की कि पेड़ पौधों में भी जीवन है, उनके लिए जब आर्थिक विपत्ति आई, परेशानी आई इंग्लैंड में, तो इन्होंने चुपचाप जो है उनकी मदद की और कहा किसी को बताएं नहीं। जगदीश चंद्र बसु ने ये बात तब कही जब ये राजा नहीं रहे, और उसके बाद जब इनकी डेथ हो गई उसके बाद हम कह सकते हैं कि अगला जो महत्वपूर्ण राजा है जो राजा थे वीर विक्रम किशोर माणिक्य, ये 1923 से 1947 तक इनका राज रहा त्रिपुरा पर, और इस दौरान तमाम चीज़ें की गईं और जो काम थे उनको आगे बढ़ाया गया, क्योंकि त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट था जो चारों तरफ से हम कह सकते हैं कि पहाड़ों से घिरा हुआ है, आसपास की दूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का जो राज परिवार है एक बहुत पुराना राज परिवार है, 500 साल पुराना राज परिवार है, और ये क्लेम करते हैं कि जो महाभारत काल से चंद्रवंशीय परिवार से हैं, लेकिन जो आधुनिक हिस्टोरियन है वो इस चीज़ से इत्तफाक नहीं रखते हैं। और यहाँ पर एक और ख़ास चीज़, इस राज परिवार की जो तलवारें हैं, जो हथियार हैं, उनको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और एक और ख़ास चीज़ है जिसको हम आपको बताना चाहेंगे, अगर यहाँ पर महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य की बात करें तो वहाँ उनकी एक और फ़ोटो यहाँ पर लगी हुई है। और एक और ख़ासियत है कि महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य के नाम पर अगरतला का जो एयरपोर्ट है उसका नाम भी हम कह सकते हैं महाराजा वीर विक्रम है, इन्हीं के नाम पर है। और एक और बड़ी खूबी यह है कि इनकी जो शादी थी, जो महारानी थी इनकी, वो महारानी कंचन प्रभा देवी, ये ग्वालियर परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, और ये आखिरी किंग हुआ करते थे जब भारत में विलय की बात कही गई, भारत में त्रिपुरा राज का विलय हो गया, उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये आखिरी राजा थे। और उसके बाद राज परिवार अभी भी है, ऐसा नहीं कि राज परिवार नहीं है, राज परिवार है, लेकिन त्रिपुरा की जब हम बात करेंगे तो इस राज परिवार की कहीं ना कहीं कहानी जरूर जुड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसा राज परिवार है जिसने 500 साल तक राज किया, और आसपास के लोग, यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, तमाम ट्राइबल्स यहाँ पर रहते हैं, लेकिन कभी भी उनके मन में ये नहीं आया कि राजा ख़राब है या कोई इस तरीके की बात आई हो, क्योंकि इन्होंने तमाम ऐसे काम किए जो लोगों की भलाई के लिए थे। तो कहीं ना कहीं
इस राज परिवार की अगर हम बात करते हैं, माणिक्य राजवंश की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर भारत के इतिहास में इसका हम कह सकते हैं अमिट छाप है। कैमरामैन शुभम के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन अगरतला।